एक बार नाम ले लिया, कृष्ण को प्रणाम कर लिया, मानो इसने एक अच्छा रास्ता ले लिया, एक परफेक्ट रास्ते पर वो चलना शुरू हो गया है। एक भक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कृष्ण एक शरण, कि वो कृष्ण का शरणागति हो गया। अगर वो कोई गलत कार्य भी करता है, दुष्चरित्र भी है, तो भी मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का अर्थ ठीक से समझे। अबद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं। कौन से दो प्रकार के कार्य करते हैं? एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार करने के लिए। तो सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष से, ये सब शरीर के पालन के लिए। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है। और आत्म साक्षात्कार का कार्य क्या है, आत्मा का कार्य क्या है? जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। सवय पुंसम परो धर्मो यतुर भक्तिर अदुक्षजे। तो और इसमें भी कार्य करना, उसमें भी कार्य करना होता है। ये दो विभिन्न कार्य समानांतर चलते हैं, तो ये दोनों साथ में चलते हैं। शरीर, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ेगा ना, तो शरीर के जो कार्य हैं वो घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच जाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता। भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। अतएव भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। ये सम्यक व्यवस्थितो ही सह, भगवान ने गारंटी दे दी ये रास्ता सही है। आज नहीं तो कल तुम धुलकर साफ हो जाओगे, सारी जो अपवित्रताएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं होती। रास्ता सही है तो बीच में थोड़ी रुकावटें आएंगी, अगर तो भी आप धीरे धीरे पहुंच ही जाओगे मंजिल पर। तो ये रास्ता सही है। कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।